ओके गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड स्वागत है आप सभी का आज हमारे इस तूफानी इवेंट में और फ्रेंड्स देखिए कल का जो इवेंट रहा बहुत तूफानी रहा और कहते हैं ना कि श्रीलंका चलना है और श्रीलंका लेकर के चलना है चलो श्रीलंका ले चलो श्रीलंका उसी के आज का इवेंट हमारा फिर से होने वाला है और देखिए कितना सारा सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है कि इवेंट भी हुआ कंपनी की तरफ से सुरेखा भार्गव मैं मुंबई से वहां पर अवेलेबल हुई और यहाँ पर फिर से आज सभी को कैसे और इसका माइंड होने वाला है क्या वर्क करने वाले क्या स्किल्स हमें चाहिए उस सबके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स और सबसे बड़ी बात है वो तूफान आता है तो क्या करते हैं हम लोग

बिल्कुल संभव होता है ये स्वागत करते हैं इसी के साथ सुरिखा जी, जिनको बहुत सारे लोगों की ग्लोबल रेड डायरेक्टर हैं है, है, वन करोड़ आजादी क्लब की मेंबर हैं और बहुत सारे लोगों को मिलने और बनाने में आज उनकी हेल्प भी करी है और बना भी चुके हैं ये जोरदार तालियों के साथ आपकी वीडियो के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का थैंक यू सो वेरी मच मैम हमारा इतना साथ देने के लिए और हमें इतना आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम ओवर टू यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच एंड वाओ मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ जस्ट ए मिनट गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स मुझे बड़ी खुशी है और मैं आज आपके सामने हूँ कम से कम दो इंच गर्दन के साथ मैं आप से पूछना चाहती हूँ क्या आपकी गर्दन लंबी है इस समय हम सबका दिल ना बहुत सारे गर्व से भरा होना चाहिए बहुत सारे ग्रेटिट्यूड के साथ भरा होना चाहिए और जो अभी हमारे साथ हो रहा है वो कम से कम इस देश की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने तो नहीं देखा है मैं कहानी के साथ शुरू करना चाहूंगी एक पोर्ट था जहां रोज शिप आया करते थे जाया करते थे और और उस उस वो वो नदी थी वो एक 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 था 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 उसके इस तरफ तरफ भी भी पोर्ट था, भी पोर्ट था, और दोनों पोर्ट दोनों पर एक, एक व्यक्ति ऐसे ठेला लगा करके बर्गर बेचा करता था दोनों सक्सेसफुल थे दोनों का बहुत अच्छा चलता था दोनों ने बिल्कुल छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था और करते करते बहुत बड़े होते चले गए थे उसी एक छोटे से कहते हैं ना ठेले के साथ उन्होंने अपनी जगह जगह ब्रांचेस खोल ली थी और दो चार घर खरीद लिए थे बड़ी बड़ी गाड़ियां थी पर था वो एक उस पोर्ट पर क्योंकि बड़ी दुकान अलाउ नहीं थी तो उस पोर्ट पर एक बर्गर का ठेला सही था दो अलग अलग व्यक्ति थे दोनों के बच्चे विदोषों में पढ़ते थे दोनों के बेटे एक बार छुट्टियों में जब वहां पे अमेरिका में है ना सर्दियों की छुट्टी हुई तो दोनों जने अपने अपने पापा के पास घर आए और दोनों ने देखा कि वाह ये तो बड़ा अच्छा चल रहा है ऐसा है वैसा है फिर जैसे कि आदत होती है ना कि जब पढ़ लिख लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा एनालिसिस करने लगते हैं कि डैड हमने सुना है वहां पे रिसेशन आने वाला है ऐसे आने वाला है आप तो अपने बर्गर में इतने अच्छे वाले मटर काम में लेते हो आप तो अपने अच्छे अपने बर्गर में इतने अच्छे वाले आलू लेते हो आप ये क्यों करते हो आप ये क्यों नहीं करते आप यहाँ से कॉस्ट्यू नहीं बचा लेते आप यहाँ से कॉस्ट्यू नहीं बचा लेते तो एक पोर्ट का जो व्यक्ति था उसका जो बेटा था वो अपने पापा को रिसेशन से खाने लगा और कहने लगा कि नहीं आपको अपनी कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए और पहले कॉस्ट कटिंग करनी शुरू हुए पहले थोड़ी एक चीज में कमी करी फिर थोड़ी एक चीज में कमी करी अब जब चीज में कमी करी तो भैया डेफिनेटली क्वालिटी में अंतर आ गया लोगों को जो है वो कम पसंद आने लगा और ये क्वालिटी कम कराता चला गया और बिजनेस धीमे धीमे कम होता चला गया और फाइनली हुआ कि वो बिजनेस बंद करना पड़ा तो उस बच्चे के पापा ने बोला बेटा तुम कितना ठीक कह रहे थे रेसेशन आने वाला है देखो मुझे तो पता ही नहीं चलता मेरे को तो रेसेशन का कोई अंदाजा ही नहीं होता थैंक यू बच्चा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बहुत कम आई दूसरे पोर्ट पे जो बेटा पहुंचा था वो अपने पापा से कहने लगा वाह मतलब आप इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज देते हो आप मतलब ये करते हो आप वो करते हो आइए चलिए अपने बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस और इस बिजनेस को कई गुना उठा लेते हैं और उन्होंने जो है अपनी क्वालिटी को और बेटर किया अपनी पैकेजिंग को और बेटर किया अपनी सर्विसेज को और बेटर किया अपनी मार्केटिंग एक्सपेंसेस को और ज्यादा बढ़ाया और देखते ही देखते जब तक ये एक पोर्ट का बर्गर कंपनी बंद हो रही थी तो दूसरे पोर्ट की बर्गर कंपनी दस गुना तब तक हो चुकी थी सारा खेल सोच का है इस बच्चे ने सोचा कि रिसेशन आने वाला है हमें कम करना चाहिए इस व्यक्ति ने सोचा कि जो अच्छा चल रहा है उसमें और इन्वेस्ट करके उसको और अच्छा चलाना चाहिए और बात वही थी लोग वही थे बर्गर खाने वाले भी वही लोग थे दुनिया भी वही थी सब कुछ वही था एक कंपनी का भट्टा बैठ गया और दूसरी कंपनी इतनी सक्सेसफुल हो गई और हम सबको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि जो हमारा मोदी केयर का बच्चा है या जो हमारे मोदी केयर के गॉड फादर हैं वो दूसरे बच्चे जैसे उन्होंने इस बिजनेस में बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है कभी देखा ही नहीं दुनिया क्या सोच रही है क्या, समझ रही है क्या अप जा रहा है क्या डाउन जा रहा है उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं वो भोले भाव से सिर्फ एक मन से कि मुझे घर घर आजादी पहुंचानी है वो दिल लगाते चले गए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ मोदी केयर के घर घर आजादी मिशन पे लगा दिया तो आप देखिए आज हम यहां खड़े हैं कि अगेन एक और नया इन्वेस्टमेंट कंपनी लेकर के आइए सौ करोड़ करीबन लगभग कंपनी हमारे लिए खर्च करने के लिए तैयार है और अब अगर इस बात को हमने समझ लिया तो ये जो बच्चा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना वो हम सबका एक एक बर्गर तो वो कहते हैं ना बड़ी सफलता का बर्गर तो वो बनने ही वाला है वो सजने ही वाला है और हम सब पे है कि हम इस ये जो तूफान जो ये सुनामी समीर जी के दिल से निकली है इस सुनामी का इस तूफान का हम अपने जीवन में क्या कर लें हम या तो निखर सकते हैं या बिखर सकते हैं और एक बात जरूर कहना चाहूंगी जो निखर जाएंगे वो अपने गर्व करेंगे और जो किसी भी एक्स वाई, रीजन से रह जाएंगे बिखर जाएंगे उन्हें कभी कोई राइट रीजन नहीं मिलेगा कि वो क्यों रह गए तो आइए चलिए जोरदार तालियों के साथ समीर मोदी जी के लिए पूरे मैनेजमेंट के लिए ताली बजाते हुए समझते हैं कि क्या है ये तूफान मेरे दिल में तो तूफान आया हुआ है मैं हालांकि uh, ट्रेवल भी कर रही थी बहुत कुछ चल रहा था पर सो नहीं पाई हूं और मुझे पता है आप सबका भी यही सीन है तो आइए समझते हैं कि क्या राइट माइंड सेट है क्या राइट प्रमोशन है क्या राइट ऑफर हमारे सामने है क्या पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही हैं और इन पॉसिबिलिटीज का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठाया जा सकता है पीपीटी के थ्रू मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी बने रहिए मेरे साथ आइए चलिए तो चलते हैं तूफान टू जीरो टू फोर अब बहुत कुछ है इसमें एक्चुअली थोड़ा ज्यादा ही है तो क्या होता है जब हम ऐसे जाते हैं ना तो बिखर जाते हैं तो ना थोड़े भटक जाते हैं मैं हमेशा पसंद करती हूँ कि ऐसे जाए तो मैंने चलो इसको एक नाम दे दिया है चलो श्रीलंका ले चलो श्रीलंका अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रमोशन के साथ ये सोचता है ना कि वो श्रीलंका चला जाएगा तो जैसे उसको फरारी मिल रही है और वो उसका एक टायर लेकर के घर चला जाए वो ऐसा रहेगा तो सबसे पहले हमें सेट करना है कि ये प्रमोशन सिर्फ हमारे लिए आया ही नहीं है ये प्रमोशन आया ही हमारी अगली दस पीढ़ियों के लिए है और इसी एटीट्यूड के साथ हमें चलो श्रीलंका ले चलो श्रीलंका के मिशन पर आगे बढ़ना है तो आइए चलते हैं आगे क्या करना है आगे क्या है पहले इसके एक बेसिक को हम समझ लेते हैं देखिए चार चीजें हैं जो इस तूफान टू जीरो टू फोर में कंपनी लेकर के आई है हम वन बाय वन समझते हैं एक तरीके से कह सकते हो कुछ भी छोड़ा ही नहीं है कंपनी ने हर चीज हमारे हाथ में बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे दी है एक तरफ हमारे बिगिनर्स के लिए धन वर्षा दिया है मंथली कैश अवार्ड तो दूसरी तरफ हमारी मिडिल लीडरशिप के लिए या जो कहो कि जो भी अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं जो लीडरशिप को बिल्ड कर रहे हैं उनके लिए श्रीलंका विदेश यात्रा ऑफर है जो लीडरशिप को ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए टू करोड़ का लीडरशिप क्लब है और इन सब कामों को आसान करने के लिए जो हमारे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है हमारे है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनके बीवी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया और है और क्योंकि एक्टिविटी है और एग्रीकल्चर का सीजन आ रहा है तो हम सबके लिए सारे लेवल अचीव करना आसान हो जाएगा इसलिए इन चार पूरे चार पिलर्स पर जो है वो पूरा का पूरा हमारा तूफान खड़ा होगा पर भले इनके चार पैर हैं पर दोस्तों इस तूफान को उठाना तो हमें ही अपने सिर पर होगा जो जो इस तूफान को अपने दिलों में महसूस कर लेगा जो जो इस तूफान को अपने सिर पर उठा लेगा वो जिंदगी में उठ जाएगा मैं तो तैयार हूं आप तैयार हैं बिल्कुल फैंटास्टिक तो आइए चलिए सबसे पहले चलते हैं धनवर्षा क्या है और उससे भी ज्यादा समझते हैं कि ये धन वर्षा क्यों है धन वर्षा बिल्कुल सिंपल है इसका जो आ, हम इसमें साढ़े सात हजार रुपया चार महीने, पांच महीने की क्वालिफिकेशन पीरियड है और बेसिक करने वाले लोग हैं अभी जुड़े हैं या थोड़ा समय हुआ है उनके लिए है इसमें क्या है क्वालिफिकेशन पीरियड है अप्रैल से लेकर के अगस्त तक का वैसे तो पांच महीने का क्वालिफिकेशन पीरियड है उसमें से कोई भी चार महीने आप क्वालिफाई कर सकते हैं जिस महीने करेंगे, मिलेगा. जिस क्वालिफाई नहीं करेंगे, बड़ा दिया जाएगा एलिजिबिलिटी जितने भी कंसल्टेंट हैं जो कि न्यू ज्वाइनी से लेकर के एनक्यू तक लेवल तक के लिए हैं वो इसमें एलिजिबल करते हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं कैसे होता है आगे आइए चलते हैं ये जो क्वालिफिकेशन है ये पेट डायरेक्टर नबो के लिए नहीं है पर पेट डायरेक्टर है नबो के लिए बहुत कुछ है तो जो भी इस लेवल के लोग हैं उनको भी टारगेट तो यही रखना है कि उनको पैट डायरेक्टर बनना है या अबो पे जाना है पर जो अभी उससे नीचे हैं उनके लिए प्रमोशन है जितने भी एलिजिबल क, एलिजिबल कंसल्टेंट हैं आप अप्रैल महीने से लेकर के जो पांच महीने का क्वालिफिकेशन पीरियड है उस पीरियड में आप अपना सत्ताईस सौ बीवी करते हैं यानी सौ बीवी करते हैं और अपनी चार लेग से कोई भी नई या पुरानी कोई भी एनक्यू लेग भी चलेगी कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है कोई भी भी या पुरानी किसी भी चार लेग से अगर आप चार हजार बीवी ग्रुप बीवी करवाते हैं और अपना सौ बीवी करते हैं तो पहले महीने जब करेंगे पूरी एक स्लैब दीवी है पहले महीने करेंगे आपको हजार रुपया मिलेगा दूसरे महीने वो ही एक्शन करेंगे क्योंकि आपने राइट बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट किया है आपके राइट right बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रिवॉर्ड करने के लिए उसी काम पे नेक्स्ट मंथ आपको 1500 रुपीज दिया जाएगा सेम काम आप फोर्थ तो मंथ करते हो तो आपको थ्री थाउजेंड रुपीज एक्स्ट्रा दिया जाएगा अब ये सबसे ज्यादा कब काम में लेना है ये सबसे ज्यादा काम में लेना है जब हम अपना प्लान प्रेजेंट करते हैं जब हम लोगों को बताते हैं कि हाँ आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको क्या मिलता है लॉयल्टी क्या है रीपर्चेज क्या है इतने का प्रोडक्ट आपको इतने में पड़ता है और जब आप इस प्रोडक्ट को शेयर करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं तो आपको इतने लेवल अचीव करके इतना तो चेक मिल जाता है और इतना एक्स्ट्रा धन वर्षा में आपके हाथ आ जाता है वो जो इस बिजनेस में वो जो फर्स्ट फ्यू थाउजेंड्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बंदे का पहला सौ रुपए का चेक बहुत मायने रखता है पावर ऑफ वन जिसे हम कहते हैं पहला पहला सौ रुपए का चेक पहला हजार रुपए का चेक तो पहला हजार रुपए का चेक पहला पांच हजार रुपए का चेक पहला दस हजार रुपए का चेक स्पीड अप करने के लिए ये धन वर्षा लाया गया है एक बार व्यक्ति को वो पांच हजार का चेक मिल जाता है ना पांच हजार रुपया उसके हाथ में आ जाता है ना फिर उसे पता है कि हाँ भैया ये बिजनेस में पैसा है लोग सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म भर जो है मार्केट से प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं और लोगों को अच्छी चीजें जो उन्हें अच्छी लगती हैं रिकमेंड कर रहे हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ बस वो ही थोड़ी सी शेयरिंग पर आपको स्ट्रक्चर्ड शेयरिंग पर जो कि सिखाई जा रही है लगातार आपको उस पर एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ये हमें लोगों को बताना है तो क्या होगा शुरू से ही लोगों का माइंड बिल्कुल राइट सेट होगा और हम उनको राइट right वे में ग्रो करने में हेल्प कर पाएंगे तो आप मान करके चलिए पहला फोकस हमारा धन वर्षा पर होना चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जेब में ये साढ़े सात हजार रुपया एक्स्ट्रा पहुंचाना है सो आर यू रेडी तैयार हो Fantastic. अगला क्या है धन वर्षा की कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन है वो जो कि हर एक प्रमोशन की होती है आप इसको समझ लीजिए आप धन वर्षा में क्वालिफाई कर रहे हैं आपका केवाईसी हुआ हुआ होना जरूरी है ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं वो आपको कंप्लाई करनी है और जो इनकम टैक्स है वो डेफिनेटली जब आपका एक सर्टेन लेवल के ऊपर जब चेक हो जाता है उसके बाद जो छोटा मोटा इनकम टैक्स करता है वो इनकम टैक्स के हिसाब से होगा ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है इसके साथ आपको जितने ज्यादा लोगों तक ये धन वर्षा पहुंचानी है बिलीव कीजिए इस समय ना आपको यह मानना है कि आपके हाथ में लक्ष्मी माँ का वास है और चांदी करवा दोगे और इस एहसास के साथ आपको ज्यादातर लोगों से ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस धन वर्षा तक उनके पास पहुंचाना है आगे बढ़ते हैं अगला क्या किया कदम कंपनी ने ना ऐसे बिजनेस को आपकी सक्सेस को आपकी जनशन की सक्सेस को चारों ओर से घेरा है हमें एज ए पैकेज समझना है पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जो साढ़े सात हजार रुपए की लक्ष्मी है इसको कम करके आंकना है दस रुपए के नोट में भी लक्ष्मी है दस लाख में भी लक्ष्मी है जो लोग दस रुपए के नोट की कदर नहीं करते उनको दस लाख मिलता भी नहीं है तो हमें मुनाफे में घाटा एक बिजनेसमैन को नहीं खाना होता है तो धन वर्षा की जो साढ़े रुपए तक की अमाउंट है उसको बहुत सीरियसली लेना है और उसको बहुत अच्छे से प्रमोट करना है अगली बात आती है कि चलो श्रीलंका बिलीव मी श्रीलंका के बीचेस श्रीलंका के बॉटनिकल गार्डन श्रीलंका के वो एलिफेंट सफारी श्रीलंका के वो एलिफेंट्स के बहुत कुछ एलिफेंट्स के साथ वहां पे होता है वहां पे बुद्धा टेंपल बड़ी बहुत सारी खूबसूरत चीजें और जब मोदी घर के साथ हम ट्रिप पर जाते हैं ना तो वैसे भी बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं ये तीन रात का हमारे लिए है आना जाना मतलब फ्लाइट का टिकट लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम इसमें अपनी फ्लाइट का टिकट भी दे देगी मैम इसमें होटल भी दे देगी यस सब कुछ दे देगी पासपोर्ट आपको बनवाना होगा और टाइम पे एयरपोर्ट डेफिनेटली आपको पहुंचना होगा और आपको उससे पहले जो ये छोटी-मोटी क्वालिफिकेशन है, आइए इस पे बात करते हैं। क्वालिफिकेशन हमारा अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का है। सेवन मंथ्स आपको मिल रहे हैं। बेस मंथ माना गया है मार्च 2024। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जितने भी पेट डायरेक्टर से लेकर के प्लेटिनम तक के हैं डायरेक्टर उनके लिए क्वालिफिकेशन है जो न्यू वो भी क्वालिफाई हो सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो आज सात परसेंट पर है दस परसेंट पर है तेरह परसेंट पर है वो डायरेक्टर होकर के डायरेक्टर से प्लेटिनम तक के लिए यह क्वालिफिकेशन है और इसी क्वालिफिकेशन पे आगे हम बात करते हैं क्या करना क्या है सिंपल है बिलीव मी फ्रेंड्स जो करके मोदी केयर के मार्केटिंग प्लान में हमें सक्सेस डिफाइन की गई है आप ये करोगे ये चेक मिलेगा ये करोगे इतना परसेंट सेवेंटी टू परसेंट का पे आउट है वो ही करने से यहाँ श्रीलंका मिल रहा है क्या है आप सिंपल सी बात समझिए आपका जो भी मार्च मंथ में बेस टाइटल था आप उस बेस्ट टाइटल को मेंटेन करते हैं बिलीव मी में, मेंटेन करने पे कुछ मिलना ये हमारे लिए भी सपना ही था मेरे को अट्ठाईस साल हो गए आज तक मेंटेन करने पे कभी किसी को कुछ नहीं मिला हर चीज ग्रोथ पे मिली हर चीज पी पे मिली हर चीज साइड बिजनेस पे मिली ये पहली बार हम सब लोगों की ही डिमांड पे हम सब लोगों की जरूरत पे कंपनी ने इतना बड़ा कदम लिया है कि मेंटेन करोगे अपना बेस टाइटल एक पॉइंट मिल जाएगा अगर आप ग्रो करोगे अपना टाइटल तो दो पॉइंट मिल जाएंगे अगर आप डबल ग्रो करोगे अपना टाइटल डबल ग्रो मतलब दो, दो जंप लो या दो से जंप लोगे लोगे या से ज्यादा तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे इट्स सो अमेजिंग मिनिमम आपको डेफिनेटली डायरेक्टर इसमें लेवल क्वालिफाई करना है जितने भी एनक्यूडीज हैं अब करना क्या है पॉइंट कलेक्ट करके हमें एक सात महीने के पीरियड में टोटल पॉइंट को इकट्ठा करना है और जिन लोगों ने वो जो रिक्वायर्ड पॉइंट वो इकट्ठे कर लिए वो इस ट्रिप पर चले जाएंगे जितने भी न्यू इनी से फिफ्टीन परसेंटर है उनको सात महीने में चौदह पॉइंट इकट्ठे करने हैं जो एनक्यूडीज हैं उनको चौदह पॉइंट इकट्ठे करने हैं डायरेक्टर्स को तेरह सीनियर डायरेक्टर्स को बारह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ग्यारह सीनियर एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टर्स को दस और प्लेटिनम डायरेक्टर को नौ पॉइंट इकट्ठे करने हैं आप कहोगे मैम जैसे जैसे लेवल बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उनके लिए इजी क्यों कर रहे हैं इसलिए इजी कर रहे हैं क्योंकि लीडरशिप का रोल अपने बाकी के लोगों को जो जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनको ड्राइव करना है उनको मदद करना भी है तो हम उनसे पॉइंट्स जो है वो थोड़े कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि काम उनका कम है काम उनका डेफिनेटली हर किसी से ज्यादा है अब इस बात को समझिए आपको पॉइंट इकट्ठे करने हैं आपको लेवल मेंटेनेस लेवल जम्प डबल प्लस जम्प पे भी पॉइंट फिक्स कर दिए गए हैं और बस इस हिसाब से अब आपको पॉइंट्स इकट्ठे कर लेने और अपनी फॉरिन ट्रिप श्रीलंका को क्वालिफाई करना है जितने भी एनक्यूडीज हैं जो जो हमारे एनक्यूडी हैं उनके लिए टू मंथ्स का स्पेशल ऑफर दिया गया है अब जो एनक्यू है नॉट क्वालिफाइंग डायरेक्टर यानी वो कभी तो डायरेक्टर बने थे पर कंपनी उनको दो महीने का एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है कि आप अगर डायरेक्टर भी मेंटेन कर लेते हो अप्रैल में और मई में, में तो उस मेंटेनेंस पे जो कि आप कभी थे उस मेंटेनेंस में भी आपको दो दो पॉइंट्स दे दिए जाएंगे फिर तीसरे महीने से मई से आपको भी जम्प करना होगा दो पॉइंट लेने के लिए यानी कि आपको सीनियर डायरेक्टर बनना होगा दो पॉइंट लेने के लिए और अगर आप है ना डबल जम्प कर लेते हो ईडी प्लस बन जाते हो तो आपको तीन पॉइंट मिलेंगे तो जो हमारे जितने भी एनक्यूडीज डीज है नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है वो इस महीने अगर अपना डायरेक्टर मेंटेन करते हैं एक पॉइंट मिलेगा बट अगर वो सॉरी अगर डायरेक्टर मेंटेन करते हैं दो पॉइंट मिलेगा पर अगर वो सीनियर डायरेक्टर मेंटेन कर लेते हैं तो उनको तीन पॉइंट्स मिल जाएंगे तो इस तरीके से एंड न्यू जो कहते हैं ना नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर्स के लिए समीर मोदी जी ने स्पेशल दो महीने का अर्ली बर्ड ऑफर दे दिया है बट ऐसा प्लान ऐसा प्रमोशन आज तक आया नहीं कि जो टाइटल करके आपको चेक आता है उसी टाइटल को करने में उसी टाइटल को जम करने में आपको जो है फॉरेन ट्रिप मिल रही है वो भी श्रीलंका मिल रहा है तो एक बार जोरदार तालियां मैं समीर मोदी जी एंड मोदी के टीम मैनेजमेंट के लिए डेफिनेटली बजाना चाहूंगी आइए चलते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल्स हम जो है थोड़े से पढ़ लेते हैं जैसे कि अगर अप टू फिफ्टीन परसेंट की बात करें अब अपू फिफ्टीन परसेंट मान लीजिए अप्रैल में डायरेक्टर बन जाता है तो उसको दो पॉइंट मिलेगा अगर वो मे में एनक्यूडी में रह जाता है तो जीरो पॉइंट मिलेगा जब करोगे मिल जाएगा नहीं करोगे नहीं मिलेगा टोटल क्वालिफिकेशन पीरियड में टोटल पॉइंट्स आपको इकट्ठे करने मान लीजिए जून में आपने एसडी कर लिया तो तीन पॉइंट मिल जाएंगे आपने जुलाई में डायरेक्टर रखा तो दो पॉइंट मिल जाएंगे जो आपका उस महीने का पेड़ टाइटल होगा उसके हिसाब से आपको पॉइंट मिल जाएंगे इसी तरीके से जो एनक्यूडी है मान लीजिए आपने अप्रैल में डायरेक्टर मेंटेन किया दो पॉइंट अर्ली बर्ड चल रहा है दो पॉइंट मिलेंगे आपने मान लीजिए मे में, में भी डायरेक्टर मेंटेन किया दो पॉइंट मिलेंगे मे में, में आपने मान लीजिए अप्रैल में डायरेक्टर की बजाय सीनियर डायरेक्टर कर लिया तो आपको तीन पॉइंट मिल जाएंगे क्योंकि आप अर्ली वर्ड में चल रहे हो एक लेवल ही आपने जम किया है पर पॉइंट आपको तीन मिल जाएंगे दो महीने तक अर्ली बर्ड में अगर आपने एनक्यूडी रह गए कुछ नहीं किया तो जीरो मिलेगा तो सब कुछ बड़ा न्यायप्रिय है आप करोगे जो आपका हक बनता है वो आपको मिलता चला जाएगा नहीं करोगे तो उस महीने की सजा कोई नहीं है पर उस महीने आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे इसी तरीके से पूरी टेबल दी गई है पीपीटी सब जगह हमने सर्कुलेट करी है आप इसको ध्यान से समझिए अपना स्ट्रक्चर समझिए और अपने श्रीलंका के पॉइंट्स डिसाइड कीजिए देखिए आपको कितने पॉइंट करने और उस हिसाब से बिहेव कीजिए रिएक्ट कीजिए और अर्लिएस्ट ज्यादा से ज्यादा टीम के लोगों को इस क्वालिफिकेशन में लगाइए इस पे हम आगे आप काफी और बातचीत करने वाले हैं पर फिलहाल मैं आपको एक बेसिक समझा देना चाहती हूँ आइए चलते हैं तीसरा जो घेरा है कंपनी ने तीसरा जो कंपनी ने हमें पुल एन पुश दिया है वो है टू करोड़ का लीडरशिप क्लब ये जो प्रमोशन है ये जो दो करोड़ का पूल है ये है हमारे डायमंड्स एंड नबो के लिए पर डायमंड्स का मतलब ये नहीं है कि अभी जो डायमंड्स है उन्हीं के लिए अगर आज आप न्यू ज्वाइनी भी हो और डायमंड बन जाते हो तो आप भी इस पूल में शामिल हो सकते हो तो न्यू ज्वाइनी से लेकर के जीआरडीडी तक के लिए ये है पर उनके लिए जो डायमंड एंड नबो क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको पता है जब हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलने लगता है तो हम कोई हाथ में मेहंदी लगा के बैठे तो है नहीं पे हाथों में चूड़ी पहन के तो बैठे है नहीं पाओ में पाए जेप बांध के तो बैठे हैं नहीं कि हम एक्शन कर नहीं सकते और जब एक हिंदुस्तानी खास करके एक मोदी केरियन एक्शन पे उतर आता है तो फिर वो सब कुछ कर सकता है आइए इसको समझते हैं इसमें हमें क्या करना है डायमंड सैनो जो भी बन जाते हैं उनके लिए है इसमें दो तरीके का इनाम है एक लेवल जम्प करने के लिए

जितने भी डायमंड डायरेक्टर हैं उनको अगर वो डायमंड डायरेक्टर ही मेंटेन करते हैं अपना तो उनको क्या होगा कुछ नहीं मिलेगा जम करना है जो भी डायमंड डायरेक्टर है जिनका बेस मंथ मार्च में डायमंड डायरेक्टर था जब वो जम करेंगे तो उनको एक पॉइंट मिलेगा डायमंड ब्लैक डायमंड रेड डायमंड सबको जम करने पर एक पॉइंट मिलेगा जो जी हैं उनको मेंटेन करने पर क्योंकि आगे कोई टाइटल ही नहीं है आगे वो जम्प नहीं कर सकते उनको मेंटेन करने पर एक पॉइंट मिलेगा और जितने भी डायमंड बनेंगे या डायमंड हैं जितने भी लोग इस क्वालिफिकेशन पीरियड में अपनी लेग एलपीबी लेग में ग्रोथ लाएंगे जितनी एलपीबी लेग आप बढ़ाओगे पर एलपीबी लेग अगर आप जीआरडीडी नहीं हो इस क्वालिफिकेशन में हो आपको एक पॉइंट मिलेगा अगर आप जीआरडीडी क्वालिफाई कर रहे हो और साथ में एलपीबी लेग भी ग्रो करा रहे हो तो आपको पर एलपीबी लेग दो पॉइंट मिलेंगे सब जने जितने भी लोग इसमें क्वालिफिकेशन करेंगे जितने पॉइंट्स टोटल इकट्ठे होंगे उस वो जो ये दो करोड़ का पूल है उसमें प्रोराटा बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाएगा और आपको पैसा मिलेगा और मैं आपको बता दूं, आपकी कंपनी ने इसकी जो इंडेक्स वैल्यू रखी है ना वो कैपिंग रखी है बीस हजार रुपए पे तो कंपनी डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके देखती है उन्होंने देखा होगा ये पच्चीस हजार तीस हजार चालीस हजार आ रहा है जो भी आ रहा है जो भी हमारा बिहेवियर चेंज होगा उस हिसाब से ये इंडेक्स बनेगी पर कंपनी ने बीस हजार की कैपिंग रखी है तो अगर मैं हिसाब लगा करके देखूं तो पर पॉइंट दस से बीस हजार रुपया कहीं ना कहीं तो हमें मिलने ही वाला है अब आप कहोगे कि मैम ये दस बीस हजार रुपए पे क्यों फोकस करें दस बीस हजार रुपए पे इसलिए फोकस करना है क्योंकि यही दस बीस हजार हमारी दस दस जनरेशन को सेट कर देगा तो दो करोड़ के पूल को ना पैसे से ज्यादा ना अपना मान बनाना है वो एक कहते हैं ना आन शान बान की बात ले रही ले मैंने अपने अपनी दिल पे ले लिया, इसको अगर अपने मान ये तो कमाने ही कमाना है मैं आज ऐसी हूं पर मुझे डायमंड जाना ही जाना है मैं इस पूल में हिस्सा नहीं लू मुनाफे में घाटा में खा लू मैं ऐसा बिजनेस नहीं मुझे हर हाल में आगे बढ़ना है तो इस तरीके से आपको दो करोड़ के पूल में हिस्सेदारी करनी ही करनी है और चौथी चीज ऑफ कोर्स कंपनी ने जो हमारी मोस्ट पॉपुलर रेंज है जो कि हमारी, तो हमारी ही फरमाइश पर हमारी पर, ने कितना सारा बढ़ा दिया आप देखिए जिस फोर्टी पर 45 परसेंट था 50 कर दिया 45 परसेंट था 50 कर दिया जिसपे फिफ्टी परसेंट बीवी था उस पर 60 परसेंट बीवी कर दिया है सडनली इतना सारा वो कहते हैं ना नीचे से पुश देने के लिए और हमारे यहाँ आपको पता है सत्तर प्रतिशत खेती है जो जहां उतर जाएगा अगर मैं आज यहाँ से उतर करके किसी कार में या बस में बैठ करके किसी अगले पच्चीस तीस किलोमीटर चल लू ना खेत शुरू हो जाते हैं तो हर जगह हमारा बिजनेस फैला हुआ है वैसे तो घर घर में फैला हुआ है हमारे प्रोडक्ट्स जिन पे बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम है जो कि बहुत सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग है बहुत क्वालिटी और बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास सात सौ साढ़े सात सौ एसकीूस के साथ अगर हम उतर आए तो क्या नहीं कर सकते ये आप सबको पता है पर बस ठानने वाली बात है तो ये है जो कंपनी का प्रमोशन है अब इसके साथ हमें क्या करना है ये इस बात को समझते हैं अंडरस्टैंड द पर्पस सबसे पहले जो हमें करना है वो ये कि हमें पर्पस समझना है एक एक बेसिक मैथमेटिक्स में आपको बताना चाहती हूँ आज अगर दस हजार लोग भी श्रीलंका क्वालिफाई करते हैं मैं दस हजार कम नंबर ही बोल रही हूँ इससे ज्यादा ही क्वालिफाई करने चाहिए पर अगर दस हजार भी क्वालिफाई करते हैं तो पचास हजार तो मान करके चलो पर पर्सन का खर्चा होगा आना ले जाना सब कुछ दग, तीन दिन है नौ दिन नौ नौ तो मील्स हैं और फिर वो जो कुछ कंपनी करती है आपको पता है कभी कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती पचास हजार रुपया तो कहीं नहीं गया अगर दस लोग भी क्वालिफाई करते हैं तो पचास करोड़ तो यहाँ हो गया और अगर मैं बात करूं बीवी की हम चार महीने जब है ना क्वालिफाई करते हैं तो साढ़े सात चौहत्तर हजार कुछ बीवी पे हमें साढ़े सात हजार रुपया मिल जा रहा है यानी कि दस परसेंट बीवी का हमें वहां मिल जा रहा है तो दस परसेंट बीवी का जो कंपनी बांटेगी उसमें भी तीस पैंतीस चालीस करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा तो ये सौ करोड़ का तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मान करके चलिए कि जो ये कंपनी ने दे दिया है पर क्या ये सात महीने के आपकी सक्सेस के लिए दिया है इस बात को हमें समझना है कि क्या ये हमारे सात महीने के लिए है क्या ये हमें महीने खुश रखने के लिए या ये इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जा रहा है कि इसको यूज करके हम हम हमारा बिजनेस हमेशा के के लिए सेट कर दें अगर लॉन्ग टर्म थिंकिंग साथ इस प्रमोशन पर काम करेंगे इस प्रमोशन से हमारी एक्सपेक्टेशन रखेंगे इस प्रमोशन के लिए डू एंड डाई के लिए तैयार हो जाएंगे तो मान करके चलो कि दोस्तों तब ये कंपनी का जो सौ करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ना वो वर्थ रहेगा तब फलेगा फूलेगा तो इसको हमारे प्रेजेंट के लिए नहीं मान करके इस इन्वेस्टमेंट को हमारे फ्यूचर के लिए समझना है और फिर आगे बढ़ना है slide, हमारी क्या चलो वर्षा नहीं देती खाली श्रीलंका दे देती तो भी हम सब अभी एक एक फीट ऊंचाई पर उड़ रहे होते तब भी हम सबका बिजनेस हम बढ़ा ही लेते पर क्यों कंपनी ने कंप्लीट चारों ओर से घेर करके बिजनेस में इस तरीके का ऑफर दिया है क्योंकि कंपनी चाहती है कंप्लीट पुश मिले और एक कंप्लीट पुल मिले जब इन दोनों के बीच की सिनर्जी हम पूरी तरीके से यूज करेंगे तब ये सौ करोड़ का हम दस हजार करोड़ बनाएंगे दोस्तों हमें सौ करोड़ से अपना एक डायमंड नहीं देखना है अपना एक एसिडी नहीं देखना है अपना एक अच्छा, अच्छा अपनी पसंद का चेक चेक नहीं देखना है हमें वो चेक हमें वो अगली पीढ़ियों तक आए इस हिसाब से सिनर्जी क्रिएट करके सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को जो कंपनी ने चारों ओर से किया है इसको यूज में लेते हुए आगे बढ़ना है आइए चलिए समझते हैं कि क्या पुल एंड पुश है ना कैसे यूज किया जा सकेगा अगर हम धन वर्षा के साथ प्लान करते हैं मैथमेटिक्स के साथ हर प्लान दिखाना शुरू करते हैं शोध प्लान जो करते हैं वो धनवर्षा मैजिक के साथ करते हैं तो क्या होगा ज्यादा ज्वाइनिंग होगी तुरंत मतलब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है तुरंत इनकम है अच्छी इनकम है इतना करोगे इतना मिलेगा हम अगर घर में ही बैठे रह गए तो कुछ नहीं होगा काम कर रही हूँ कि हमारी एस के नीचे हमारी सक्सेस है जब तक हम उसके ऊपर बैठे रहेंगे वो दबी रहेगी जब हम उठ के खड़े हो जाएंगे चलना शुरू करेंगे तो वो हमारे पीछे पीछे चलने लगेगी तो उठना तो हमें है ही पर अगर हम ज्यादा प्लान शो करेंगे धन वर्षा मैथमेटिक के साथ तो ज्यादा ज्वाइनिंग होगी अगर हम ज्यादा प्लान करेंगे ज्वाइनिंग होने लगेगी वो वो मोमेंटम क्रिएट होता है हम गए किसी को समझाया एक तो हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ावा होता है जब हम ज्यादा पैसा लेकर के जा रहे हैं वैसे ही मोदी केयर प्लान दिखाने में मतलब हमारी वैसे ही जिसको कहो कि कि बिल्कुल एक गर्दन लंबी रहती है भैया जो हम ले की दे रहे हैं वो इस तरीके से दे रहे हैं उस पे से जब इतना एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो हम भी कॉन्फिडेंस के साथ घर से निकलेंगे ज्यादा निकलेंगे ज्यादा लोगों से मिलेंगे ज्यादा लोगों को पैसा बताएंगे ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी ज्यादा मोमेंटम आएगा ज्यादा और हमारे हम मोटिवेटेड होंगे हम और ज्यादा एक्शन करेंगे तो एक तरीक तो वो Create होगा दूसरी तरफ एक एक धन वर्षा ना महीने में हमें सौ बीवी देगा एक धन वर्षा क्वालिफायर तो हम अगर हम धन वर्षा पे फोकस करें अगर हम अपने बिगनर लोगों को समझाएं कि भैया तुम्हें ये करना ही करना है ये क्वालिफाई करना ही करना है और ये साढ़े सात हजार रुपया अपनी जेब में लेकर के जाना ही जाना है तो क्या होगा आप जिस जिस किसी ने भी अपने नीचे दो भी धन धनवर्षा क्वालिफायर निकालने शुरू कर दिए उसका डायरेक्टर मेंटेन होने लगेगा डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए दो ही धन वर्षा क्वालिफायर हमारे लिए इनफ है आप तीन चार लोगों पर काम करते हो उसमें से एक क्वालिफाई कर जाता है बाकी के लोग थोड़ा थोड़ा भी करते हैं तो भी आप है ना डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको जो काम करना है डायरेक्टर बनना है श्रीलंका जाना है नीचे से भी कंपनी का पुष आ रहा है धन वर्षा के थ्रू दूसरी तरफ जैसे जैसे आप जितने ज्यादा धन वर्षा क्वालिफायर निकलते जाएंगे जितने ज्यादा श्रीलंका क्वालिफाइड निकलते जाएंगे उत्ते ही ज्यादा न्यू टाइटल आएंगे तो न्यू टाइटल पे आपको आजादी पुल भी मिल रहा है आपको सब कुछ तो मिल रहा है आप श्रीलंका भी ले सकते हो आजादी पुल भी ले सकते हो दोनों एक साथ फायदा उठा सकते हो तो हमें जब दो चीजें मिल रही हो तो एक चीज तो लेने वाली कोई बात बनती नहीं है हर हाल में दोनों लेना है सिक्स धनवर्षा क्वालिफायर अगर आप किसी एक टीम में बना देते हो ना तो आपकी एलपी भी लैग बन जाती है तो एक तरफ आप बिगनर्स को धन वर्षा दे रहे हो फिर उन्हीं बिगनर्स में से जो लोग ड्रीमर हैं जो सपने देखने वाले हैं उनको श्रीलंका लेकर के जा रहे हो फिर वही श्रीलंका जो जा रहे हैं वो टाइटल जम्प कर रहे हैं टाइटल जम्प करा रहे हैं वही जो टाइटल जंप कर रहे हैं वही जिनके नीचे ज्यादा से ज्यादा धन वर्षा क्वालिफायर आ रहे हैं वही एलपीबी पी बी क्वालिफाई कर रहे हैं वही एलपीबी पी उनको पॉइंट दे रहे हो और वहीं से उनको आजादी पूल लीडरशिप पूल जो है उसमें हिस्सा मिल रहा है तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और ये मार्केटिंग प्लान से अलग नहीं है जो मार्केटिंग प्लान करने को कहता है वो ही ये प्रमोशन करने के लिए कह रहा है और वो ही करके एक तरफ हमारा चेक बढ़ता चला जाएगा दूसरी तरफ पूरी की पूरी टीम में मोमेंटम आता चला जाएगा और सारा खेल माहौल का है अगर हमने इस परफेक्ट सिनर्जी को यूज कर लिया तो इस माहौल के चलते हम इसको एक डिफरेंट लेवल पे वो जो कहते हैं ना जब कोविड आया था तब एक माहौल बना था ऑनलाइन वाला और उस समय हमने बहुत बड़ी ग्रोथ देखी आज तक हम उस सदमे से नहीं उभरे कि अच्छा कोविड चला गया क्या पर ये जो है उसने हमें बैठा दिया था ये हमें उठा सकता है और ये बिल्कुल उसी तरीके का माहौल फिर से बना देगा क्योंकि कंप्लीट एनर्जी जो है वो आपको इसमें देखने को मिल रही है फिर बात आती है कि अब हमें करना क्या है कैसे सोचना है सबसे बड़ी बात थिंक लाइक ए बिजनेस अब आप बिजनेसमैन हो हम ना इस बिजनेस में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब कुछ तो मोदी केयर कर रही है मैं तो भैया एक सिंपल हाउसवाइफ हूं मैं तो भैया सिंपल मैं तो एक सिंपल शॉपकीपर हूं मैं तो एक सिंपल टीचर हूं नहीं इस गलत फेमी को दिमाग से निकालिए आप सिंपल टीचर हो आप सिंपल हाउस वाइफ हो पांच दस हजार रुपया महीना कमाने के लिए ठीक है बट जब आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर की तरह एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह एक बिजनेसमैन की तरह सोचोगे तो वो पांच लाख दस लाख रुपए तक पहुंचोगे और मेरे ख्याल से हम सबका हक बनता है वो पांच लाख दस लाख रुपए की लीग में जाने का कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जा सकता पर सारा खेल हमारी सोच का है तो थिंक लाइक ए बिग बिजनेस सबसे पहले तो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कीजिए जो करना है वो अब करना है अभी करना है अगले महीने नहीं करना है उसके अगले महीने नहीं करना है अभी तो मैं पहले और कंपनी से बात कर लू कंपनीस में और क्या दे सकती है ये भी कर दे ये भी कर दे वो कर दे कंपनी क्या कर सकती है अपलाइंग क्या कर सकते हैं अच्छा ये मिलेगा तो फिर सोचूंगा वो मिलेगा तो फिर सोचूंगा ये तो गड़बड़ हो गई वो तो अच्छा हो गया वो तो गलत हो गया इन सब ख्यालों में जो जो ना डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैठे हैं और समीर हमें कोई एक कांटा चुपता है ना तो एक लाख कांटा हमें तो पैर में चुपता है ना वो एक लाख कांटा बन करके समीर जी के दिल में चुपता है एक भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है इस समय हमें जो हमें करना है उसमें लग जाना है की हमें सलाहकार बनने के हमें सलाहकार नहीं बनना है हमें अपने नीचे के लोगों का काउंसलर बनना है है और उनको बताना है कि उन्हें क्या करना है।, इस समय टाइम बहुत बड़ी है खास करके हमारा अप्रैल मंथ जितने ज्यादा लोग अप्रैल में डायरेक्टर बन जाएंगे उतने लोगों के लिए आगे के महीनों में आसान हो जाएगा क्वालिफाई करना एक महीना भी और टाइम ना जाता नहीं है ऐसे खसक जाएगा एक महीने दो महीने निकल गए फिर आप कहोगे नहीं हमारे लोग तो रेस में ही नहीं है रेस में शुरू ही नहीं हुए तो भैया खत्म होंगे ही नहीं कहीं पहुंचेंगे ही नहीं बिजनेस में आपके कोई मोमेंटम आएगा ही नहीं फिर आप कहोगे की अच्छा देखो हमने तो पहले ही कहा था ये वर्क नहीं करने वाला

गलत हो जाएगा फिर बात आता है ऑप्टिमाइज यूज ऑफ एक बिजनेसमैन जो होता है ना उसके पास जो रिसोर्स होते हैं ना वो उनका थाउजन टाइम्स यूटिलाइज करता है है तो वो जो है, सफल होता है अगर अपने रिसोर्सेज को ऐसे कोई वेस्ट करने लगता है ना फिर वो सफल नहीं होता ये कंपनी सौ करोड़ खर्च करेगी आप पसंद कर रहे हो ना पसंद कर रहे हो आप पॉजिटिव हो आप नेगेटिव हो आप एक्शन में हो आप एक्शन में नहीं हो ये सौ करोड़ कंपनी के खर्च होने हैं आप पे तब खर्च होंगे आप जल्दी से जल्दी सारी की सारी नेगेटिविटी से निकल करके पॉजिटिव जोन में आओगे और एक्शन में लग जाओगे तो ये पैसा आपके लिए खर्च होगा नहीं तो ये पैसा आपके लिए नुकसान करेगा छह सात महीने बाद आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि यार मेरे से गलती क्या हो गई मैं रह कहाँ गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा देखेंगे काम पे लगने से काम करने से ना कभी कोई कोई मरा नहीं मैंने देखा है मेहनत करके कभी कोई मरा नहीं तो मेहनत कर लो जब जितनी फलेगी आपको खुद आने वाले समय में पता चल जाएगा इस समय ये जो अगले हमारे पास आठ दस दिन बचे इन आठ दस दिन में सिर्फ सांस लो और मोदी केयर करो सांस लो और मोदी केयर करो किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए इस समय अपने एक्शन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्योंकि बिजनेस इज इक्वल टू बिजीनेस हमें बिजनेस चाहिए हमें सक्सेस चाहिए आज मेरे पास सुबह एक डाउनलाइन का कॉल आया मैडम ऐसा मैडम वैसा मैंने कहा मीटिंग में क्यों नहीं आया मैडम मेरी दूसरी मीटिंग थी मैंने कहा दो महीने पहले मैंने मीटिंग अनाउंस करी थी आप अपनी मीटिंग पोस्टपोन नहीं कर सकते थे और आप कौन से एमएलसी में कौन से हफ्ते कौन से दिन आते हो कि नहीं मैडम मैं तो नहीं आ रहा पिछले दो महीने से मैंने कहा तुम पिछले दो साल से मैंने कहा तुम दो साल से एमएलसी की मीटिंग नहीं कर रहे फुल टाइम मोदी केयर कर रहे हो और फिर जो है कह रहे हो कि ऐसा ऐसा दूसरे क्या कर रहे हैं पहले तुम अपना घर संभालो बिजनेस इज इक्वल टू बिजीनेस पहले खुद एक्शन में आओ जैसे ही हम एक्शन में आते हैं हमारा हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है तो बहुत जरूरी है कि हम बिजी हो जाएं राइट right एक्शन में बिजी हो जाएं राइट थॉट प्रोसेस में बिजी हो जाएं राइट right बातचीत में बिजी हो जाएं फिर बात आती है डू पॉसिबिलिटी थिंकिंग मेरा फेवरेट काम है ऐसा हो गया तो फिर ये हो गया तो इतने लोग क्वालिफाई किए तो इतने लोग क्वालिफाई किए तो, तो अरे यार कहीं श्रीलंका दब नहीं जाए हमें ताकत तो इतनी है हम हिंदुस्तानियों में कि अगर हम ढंग से इसको लेके उतर जाए ना तो हमारे वजन से श्रीलंका दब जाए सचमुच इतनी ताकत है ये मैं ये मैं फील करती हूँ ये मैं ये चीजें मेरे रोंगटे खड़े करती है ये चीजें मुझे ना बहुत किक देती है कि यार छोटा सा देश इतना खूबसूरत बना के रखा है और आजकल तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को उठाने के लिए इतने सारी अट्रैक्शन इसमें ऐड किए हैं कि हमारी चांदी चांदी है पर हम इधर उधर की बातों में लगे रहे तो ठीक है भैया जाओ जाके गाय को खाना खिलाओ फिर हाथी को खाना खिलाना तो भूल जाओ तो पॉसिबिलिटी थिंकिंग करो अपने रोए खड़े करके रखो पूरी सनसनाट भर करके रखो वो पॉजिटिविटी की ओवर डोज के साथ अपने आप को रेडी रखो कि जहां भी जाओ अगले को एजम इंफेक्शन होता है जब आप जोश में हो आप उत्साह में हो कोई ना कोई जब बीज बिखेरोगे कोई ना कोई फल बनेगा ही बनेगा वही सही तरीका है टेक चार्ज ये आपके कंपनी मतलब तो कभी कभी वेरी सॉरी टू से हम पार्ट टाइम बिजनेस में है पर मार्केटिंग का काम हमारा ही है जाके फील्ड पर बात करने का काम करने का लीडरशिप डेवलप करने का काम हमारा ही है ये काम कंपनी का नहीं है पर कंपनी फिर भी अगर हमारे को यही काम करने के लिए इतना सारा पैसा दे रही है फिर तो हम चार्ज लेंगे ही लेंगे ना अब सब कुछ छोड़ करके चार्ज हमें लेना है टेक ओवर करने की बात आ रही है जो टेक ओवर करेगा वो जीत जाएगा फोकस ऑन बिल्डिंग पीपल जब इतना अच्छा प्रमोशन आता है ना कभी कभी हम टैंप्ट हो जाते हैं अच्छा अच्छा तू ऐसा कर तू प्रोडक्ट खरीद ले सारा प्रोडक्ट भर ले देख लेंगे देख लेंगे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं और अरुण जी की बात है एक प्रमोशन आया था एक बैंक ऑफिसर हस्बैंड वाइफ ने हमें ज्वाइन किया था एंड दे केम टू आर हाउस और कह लगे मैडम अभी हमारा नेटवर्क तो नहीं बना है और हमारे पास टाइम भी नहीं है और हम ना पूरा वो तीन लाख साठ हज़ार कुछ था हम उत्तर बीस बीवी था हम उतना सामान खरीद लेंगे हमें तो फ़ॉन ट्रिप जाना है मैंने और अरुण जी ने एक दूसरे की तरफ देखा एंड वी सेड नो टू देम हमने कहा नहीं हम आपको बिल्ड करेंगे कल हम आपके घर आ रहे हैं अपना मेमरीज ऑगर निकाल के रखो ये करके रखो वो करके रखो अगले दिन सुबह साढ़े सात बजे हम उनके घर पहुंच गए कि उपमा बना के रखना और कुछ नहीं बनाना चार पांच घंटे उनके घर रहे उनका मेमरीज ऑगर बनवाया उसी दिन उनके साथ दो वन ऑन वन किए तीसरे दिन की होम मीटिंग ये करी वो करा वो करा और दोस्तों वो उस फॉरन ट्रिप के लिए क्वालीफाई किए बहुत मेहनत करी डेली हमने उनके लिए मीटिंग करी पर फिर भगवान साथ देता है जब हम बेसिक राइट बेसिक कर रहे होते तो वो क्वालिफाई किए तो मेरा <गराय> कहना यही है मैं ये नहीं कह रही कि है ना हम प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते प्रोडक्ट खरीदना भी अच्छी बात है बट फिर हमें पता होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट खरीद के अगर किसी को क्वालिफाई करा रहे फिर अगर वो आठवें महीने बैठ जाता है ना तो हमें उससे शिकायत नहीं होनी चाहिए हमें पता होना चाहिए कि मैंने है ना प्रोडक्ट खरीद के सक्सेस क्रिएट करी अब मैं ये सक्सेस बेच करके बड़ी सक्सेस क्रिएट कर लूंगा इससे पहले की ये सक्सेस बैठे नहीं तो बाद में परेशानी होती है तो राइट right, अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए लोगों को बिल्ड कीजिए लोगों को बिल्ड करना वैसे भी स्मार्टेस्ट तरीका है इस बिजनेस में करने के लिए पर हाँ अप्रैल मंथ में टाइम कम है जो भी करना पड़े इस समय कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है जो भी इस समय करना पड़े ये सात आठ दिन तो जो है साम दाम दंड भेद मैं फिर कह रही हूँ करके हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस में लेकर के आना है और फिर बस फिर 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 लोगों को बिल्ड करना है पीपल बिल्डिंग से बड़ा और कोई तरीका नहीं है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आइए आगे चलते हैं थ्री हैं इस तूफान की पहली करेंसी है धन वर्षा क्वालिफायर पूरी टीम का फोकस आज कोई जीरो न्यू जॉइनी है कोई जीरो परसेंटर है कोई सेवन परसेंटर है सबका फोकस धन वर्षा पे लगाना है पहला काम दूसरी बात जितने भी लोग न्यू जॉइनी से लेकर के पंद्रह परसेंटर तक पे हैं या एनक्यू हैं सबको डायरेक्टर बनाना है हम क्या गलती करते हैं मुझे श्रीलंका जाना है मेरे को डायरेक्टर क्वालिफाई करना है मुझे सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करना है तो मैं इतने है ना क्वालिफाइड निकाल लेता हूँ वर्षा के मैं तो श्रीलंका चला जाऊंगा दैट्स द मिस्टेक अगर आपका कोई सेवन परसेंटर भी है आपको उसको डायरेक्टर लेकर के जाना है क्योंकि उसको श्रीलंका कराना है कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये बात की बात है पर आप तो आज किसी को ज्वाइन कराते हो तो अपने श्रीलंका के लिए उसको ज्वाइन नहीं कराओगे उसके श्रीलंका के लिए उसको ज्वाइन कराओगे तो जितने भी जीरो परसेंट से लेकर के पंद्रह परसेंटर और एनक्यूडी सब सबको श्रीलंका क्वालिफिकेशन में डालना है सबका डायरेक्टर कराना है और जितने भी डायरेक्टर है नबो हैं उनको ना एस नहीं कराना है उनको ईडी नहीं कराना है आपका फोकस उनको डायमंड कराना है अगर ये इस पूरे प्रमोशन में हमने अपने लोगों को जो एसईडी हैं डायमंड नहीं बना दिया ना तो हमने इस प्रमोशन का पूरा फायदा नहीं उठाया आप जितने भी लोग आज ईडी हो एस डी हो एसईडी हो आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि भैया मैं ये आजादी पूल ये है ना दो करोड़ का लीडरशिप पूल अगर मैं नहीं उठाता ना इसमें से पैसा तो फिर मैं असली बिजनेसमैन नहीं ये अपना अपना पर्सनल कमिटमेंट होता है हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं पर तो कमिटमेंट आपको करना होगा कि अच्छा एसईडी में आज हूँ मेरे पास इतना सब नीचे से पुश आया है ऊपर से पुल आया है मैं एक जगह खड़ा नहीं रह जाऊंगा मैं खाली श्रीलंका की डोंट माइंड मी सेइंग दिस जब ये प्रमोशन आता है ना चाहे वो श्रीलंका का हो चाहे मलेशिया का हो मैं तो कहती हूँ ये लॉलीपॉप है ये मेरे लिए लॉलीपॉप है वो बड़ा केक खाने के लिए क्या मैं लॉलीपॉप खाती रह जाऊंगी या मैं बड़े केक पे फोकस करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लॉलीपॉप खाऊंगी खिलाऊंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपने केक को बड़ा करती जाऊंगी तो जितने भी लोग डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर है सबको डायमंड के लिए लगना है ठीक है पहले महीने से नहीं हो पाए दूसरे महीने से नहीं हो पाए तीसरे से नहीं हो पाए पर चौथे महीने तो हर हाल में आपको स्कूल में आ जाना है और इससे अपना एक एक चक्के तो देखो कि ये जो ये पूल बनते हैं इस पूल का जो पैसा होता है वो आपको फलता कितना है वो आपके लिए शुभ कितना होता है क्योंकि ये बात खाली उस पूल के कुछ हजारों रुपए की नहीं होगी ये आपकी की आप गो गेटर हो आप जब कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसके लिए रन कर सकते हो उसके लिए कुछ भी कर सकते हो ये आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक डिफरेंट लेवल पे लेकर के जाएगा और एक बिजनेसमैन ना अपने आत्मविश्वास और अपनी हिम्मत से ही आंका जाता है तो ये हिम्मत दिखाने वाला टाइम है हर किसी को जो किसी भी लेवल पे है इस पूल का एक स्वाद तो चक्कर के देखना ही देखना है ये थ्री इंपॉर्टेंट करेंसीज है इस पर काम करना है एंड फाइनली सक्सेस साइकिल कंप्लीट करना होता है हमें बिजनेस को लाने के लिए हमें बड़ा बनने के लिए और वो बिल्कुल सिंपल है आपको ड्रीम्स देखने हैं आपको ओके okay, एक स्लाइड रह गई हमारी एक्शन क्रिएट्स विनर की एक स्लाइड है मैं उसके बाद सक्सेस साइकिल पे जाती हूं अब क्या करना है ठीक है हमने कर लिया कि हाँ हमें डायमंड जाना है हमने देख लिया हमें एसीडी जाना है हमने अपने लेवल फिक्स कर लिए अब एक और स्लाइड है एक्चुअली जरा जस्ट ए मिनट या अब क्या करना है अब प्ले विथ नेम्स सबसे पहले अपनी अपनी रिपोर्ट में उठाओ बिल्डर्स रिपोर्ट में बहुत कुछ आता है अपनी रिपोर्ट निकालो अपने डाउनलाइन की रिपोर्ट निकालो उनका स्ट्रक्चर देखो अपना स्ट्रक्चर देखो अपने राइजिंग स्टार्स देखो डाटा को सर्च करो आपको कोई रिपोर्ट चाहिए तो कंपनी से बात करो आपके ए एस से बात करो आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए मिल जाएगी पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपके राइजिंग स्टार्स कौन है और कौन कौन खेलने के लिए तैयार है तो रिपोर्ट्स रि पे जाओ सिट विथ योर अपलाइंस ऑनलाइन बैठो ऑफलाइन बैठो मैं सुबह से तैयार होकर बैठ गई हूँ रोज का मेरा यही काम है मैं हर पंद्रह मिनट आधे घंटे बाद दूसरे व्यक्ति के साथ बैठी हूँ और उससे बात कर रही करी कि तुम्हारा ये है तुम्हारा वो ऐसा है तुम्हारा ऐसा है सारे प्रोग्राम्स मैंने अपने कैंसिल कर दिए और मैं यहाँ बैठी हूँ कि जिससे कि हम सबका इस समय ये काम जल्दी करने वाला काम है ये अभी करना है कि हाँ जी आप अपने अपलाइंस के साथ बैठिए अपने डाउनलाइंस के साथ बैठिए अपना स्ट्रक्चर समझिए अपने डाउनलाइंस के साथ अपने राइजिंग स्टार्स के साथ इंडिविजुअली बैठिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को करना क्या है उनको क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतनी जल्दी वो कर लेंगे आपके तेरह परसेंटर आपके पंद्रह परसेंटर अभी सबको एक ही मैसेज दे दीजिए भैया बाकी की बातें करते रहेंगे अभी इस महीने डायरेक्टर कर लो अभी ये सात आठ दिन सबका एक ही फोकस जितने भी लोग अभी डायरेक्टर नहीं है सबको डायरेक्टर करना है जितने भी एनक्यूडीज की है उनको बोलो भैया हर हाल में इस इस महीने डायरेक्टर तो करना ही है और अगर तुम जंप ले सकते हो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी अगर तुमने एस कर लिया एक ही महीने में तुम्हें तीन पॉइंट मिल जाएंगे बाकी बातें बाद में करेंगे अभी जितने भी नॉन डायरेक्टर लोग हैं उनको कराना है डायरेक्टर और जितने भी एनक्यूडीज डीज है उनको बोलो भैया डायरेक्टर करो और अगर कर सकते हो तो एसडी कर लो ये एक सेंटेंस में सबको गाइडलाइन दे दू और फिर जो है एक अपने इंटरेस्टेड लीडर्स की लिस्ट बनाओ लुक फॉर देयर स्ट्रेंथ उनकी वीकनेस और फैसिलिटेट करो सबकी स्ट्रेंथ होती है वीकनेस भी होती है वीकनेस पे फोकस नहीं करना है फैसिलिटेट करना है कि भैया अच्छा ये बंदा ये कर लेता है ये कर लेता पर इससे होम मीटिंग नहीं अच्छी होती मैं दे रहा हूं तुम्हें मैं तुम्हारे को टाइम दे रहा हूँ रोज मैं एक ऑनलाइन मीटिंग तुम्हारे लिए करने को तैयार तो हूँ हफ्ते में दो तुम्हारे लिए ऑफलाइन मीटिंग करने को तैयार तो हूँ मैं दो होम मीटिंग तुम्हारी करने को तैयार तो हूँ तुम्हारे लिए मैं संडे को सुबह आऊंगा तुम्हारे लिए मैं वेडनेसडे को शाम को आऊंगा अपने पूरे कैलेंडर को लेकर के बैठो इस समय जिसने अपना कैलेंडर जिसने अपनी डायरी जितनी काली कर ली जब श्रीलंका पे गारा नाइट होगी ना तो ब्लैक कलर के कपड़े वही पहन के खड़े होंगे सब कंपनी ने अभी थीम नहीं बताई है अपन थीम बना लेते हैं कि हम गाला डिनर पे ब्लैक ब्लैक कपड़े पहनेंगे ड्रेसेस में होंगे सबके सब बिल्कुल जेट ब्लैक करके वहां पे और अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहन करके खड़े होंगे अच्छे अच्छे से मतलब बिल्कुल पावर ड्रेसिंग जिसको कहते हैं ना हम सबके सब पावर ड्रेसिंग में होंगे गाला डिनर पे पर अभी अपनी डायरी काली करने का टाइम आया है वो करने के लिए तैयार हो जाओ नेक्स्ट स्लाइड एक और है जस्ट अब जस्ट एक मिनट एक स्लाइड पर मैं बात करना चाहती हूँ ये थोड़ा ना स्लाइड आगे पीछे हो रही है आगे पीछे ठीक 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 है जस्ट मिनट करेक्ट हाँ जी आइए चलते हैं अब और क्या करना है क्योंकि अल्टीमेटली तो वॉक द वॉक करनी होगी वॉक द टॉक टॉक द वॉक काफी इंपॉर्टेंट है पर अल्टीमेटली वॉक द वॉक तो करनी ही होगी सुबह सुबह घर से निकलना ही होगा बेसिक एक्शन करना ही होगा अब जब कोई भी प्रमोशन आता है ना तो इस बात को समझिए हमें नया कुछ नहीं करना है बल्कि बैक टू बेसिक पे जाना है जो जना जितना ज्यादा बेसिक करेगा वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा तो हमें ज्यादा प्लान शो करने हैं ज्यादा डेमो करने हैं ज्यादा होम मीटिंग करनी है ज्यादा परिवर्तन करने हैं ज्यादा इवेंट्स प्लान करने हैं मेरे बहुत सारे डॉनलाइन है जिनके आज कॉल आ गए मैडम हम ये फुल डे वर्कशॉप कर रहे हैं मैडम ये हम ऐसा कर रहे defines, हैं कर रहे है, न, ये ठीक है ना ये ठीक है ना कोई परिवर्तन ज्यादा कर रहा है कोई मैक्सिमम मेरे डाउनलाइन को मैं सजेस्ट कर रही हूँ अगले हफ्ते के अंदर अंदर एक फुल डे वर्कशॉप प्लान कर लो उस फुल डे वर्कशॉप में जितने भी लोग श्रीलंका जाना चाहते हैं उनको बुलाओ कोई भी एक होटल लो वहाँ पे जो भी खाने का खर्चा हो वो आप लोगों से चार्ज कर लो फुल डे वर्कशॉप में उनको समझाओ उनको स्क्रिप्ट याद कराओ उनको परिवर्तन सिखाओ उनको दे, दस डेमो करने सिखाओ उनको बीस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दो उनको परिवर्तन की पंद्रह मिनट की होम मीटिंग की पंद्रह मिनट की स्क्रिप्ट याद करा दो और भैया सबके सबको बोलो कि किसी बंदे का इंतजार नहीं करना है हर कोई फील्ड पे उतर जाए ये ऐसे जब प्रमोशन आते हैं तो तैयारी का मौका हमें कम मिलता है पर जब अभी सात महीना है तो इस महीने भागो फटाफट अपना डायरेक्टर लेवल कंप्लीट करो और अगले महीने की पहली या दूसरी तारीख को फुल डे वर्कशॉप रख लो और उसमें जिन लोगों को जो स्किल इंपार्ट है क्योंकि विल होना का जरूरी है पर स्किल होना भी उतना इंपॉर्टेंट है मैं एक बात बताऊं जब इस तरीके के प्रमोशन आते हैं ना तो अंदर से वो जो हमारी विल जागरी जागी होती है ना वो विल वो मूड जो है वो हमारे को स्किल भी जल्दी याद करा देता है वो स्किल की तैयारी भी जल्दी करा देता है तो इन सब विल स्किल नॉलेज है ना इसको ना एक साथ हमें इस समय बढ़ा लेना है इसका मौका हमारे पास आया है तो अपनी टीम के साथ बैठ करके प्लान करो मेरे साथ प्लान करो अपनी एल के साथ प्लान करो ज्यादा से ज्यादा मीटिंग ज्यादा से ज्यादा रोड शो हम सब लीडर सड़कों पर उतरे हुए हैं आप हमसे जो टाइम आपको चाहिए जितना टाइम हमारे को चाहिए मैं और निशांत हम दोनों पूरी तरीके से आपको इस मीटिंग में ही कमिट कर रहे हैं कि हम आपके लिए पूरी तरीके से अवेलेबल हैं मैं खुद हफ्ते में तीन दिन एमएलसी का अभी प्लान बना रही हूँ सब लीडरशिप से बातचीत कर रही हूँ बाकी हर किसी को अपनी दो तीन नई डायरेक्टर लाइन इसमें क्रिएट कर लेनी है मैं भी करने वाली हूँ मेरे पास अड़तालीस डायरेक्टर लैग है और पांच दस लैग क्रिएट कर लूँ फिर फिर लोग कहते हैं सुरेगा में पैसा कमाती है क्योंकि भैया जब कंपनी का कोई उड़न खटोला आता है ना तो उस पर हम सबसे पहले बैठ जाते हैं और उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं तो फिर बस वही सक्सेस 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 हर उड़ उड़न खटोले पे बैठते जाओ और अपनी सक्सेस को मल्टीप्लाई करते जाओ ये ही तरीका है हाँ जी तो बस अब आखिर में जो बात आ रही है वो यही कि मैं एक बार रिवीजन करवा दे रही हूं कि सक्सेस साइकिल कंप्लीट करने से सक्सेस मिलती है उस साइकिल को हमें जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे हम इस साइकिल को घुमाते जाएंगे कंप्लीट करते जाएंगे और जितने ज्यादा लोगों के साथ इसको कंप्लीट कराते जाएंगे उतनी हमारी हमारा ये साइकिल बड़ा होता जाएगा उतनी हमारी सक्सेस जो है वो बड़ी होती चली जाएगी तो अगर पहिए को अपने आप घुमाना है तो करना वही है देखिए ड्रीम करना है अपने डियरेस्ट के लिए ड्रीम करना है उसको गणित में बदलना है खाली सपने ही नहीं देखने इस समय तो गणित में बदलना है मैं जाऊंगा मेरे साथ इक्कीस लोग लेकर के जाऊंगा या मैं जाऊंगी मेरे साथ एक एक लोग लेके जाऊंगी ये एक सौ एक लोग लेकर के जाने तो ये मैंने दो सौ सवा दो लोगों की लिस्ट बनाई है इन दो सौ लोगों में इतने लोगों के पास डेमोक्रेट है इतने लोग होम मीटिंग कर सकते हैं इनका ये शेड्यूल है इनको मैं हफ्ते में एक दिन इधर मिलूंगी महीने में एक दिन ये इवेंट करूंगी इस इवेंट के टिकट सेल हो चुके हैं और सब जने यहाँ आ रहे हैं वहां में जो भी जने क्वालिफाई कर गए उनको रिकॉग्नाइज करूंगी हंड्रेड पीवी वालों को रिकॉग्नाइज करूंगी होम मीटिंग करने वालों को रिकॉग्नाइज करूंगी इस तरीके

हमारे सारे पीस बेस्ट हैं हमारा प्रोफाइल सौ साल पुराना मतलब हमारे प्रोफाइल को कॉपी करने के लिए लोगों को सौ साल लगेंगे हमारा तो बहुत पुराना है लोगों को कॉपी करने में सौ साल लगेंगे और उस सौ साल में हम और सौ साल बड़े हो जाएंगे तो हम बाप थे बाप है और बाप रहेंगे प्रोफाइल पे हमें कोई शक करने की जरूरत नहीं है प्लान पे हमें कोई शक करने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट तो लोग दूसरी कंपनी के लोग हमारी कस्में खाते हैं हम उसके बारे में क्या ही बोले और क्या ही ना बोले और पुल एंड पुश इससे बड़ा पुल एंड पुश इस इंडस्ट्री ने ना देखा है न देखेगा मैं आपको बता दूँ कुछ एक ऐसी कंपनीज है जो अपने वेंडर्स को पैसे भी नहीं दे पा रही आज की तारीख में जिनमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है और यहाँ हम सौ करोड़ एक्स्ट्रा सात महीने में खर्च करने को तैयार बैठे हैं तो इस समय तो आप ना मतलब आप सबको क्लाउड नाइन पे होना चाहिए तो अपने ड्रीम व्हीकल से बहुत प्यार होना बहुत जरूरी है ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है भले ही सब कुछ अच्छा है पर तूफान आपको आपके सिर पे खुद ही चढ़ाना होगा लर्न टू लर्न सीखो अभी भी मैं सीख रही हूँ हर कोई सीखने पर हुआ है आप भी सीखते जाओ करते जाओ करते जाओ सीखते जाओ करते जाओ सीखते जाओ, सीखते जाओ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर करके ही सीख पाओगे आप सोचो अच्छा इस महीने तो मैं सीख लेता हूँ अगले महीने से शुरू करूंगा कहते ना हमारी दिल्ली की भाषा में गई भैंस पानी में हो जाएगा रह जाओगे अभी इस समय सबसे ज्यादा जोर फील्ड पे उतरने पे लगाना है आपको प्लग इन टू द सिस्टम करना है जब इतना बड़ा कुछ आता है ना तो इंडिविजुअली इसको उठाना मुश्किल होता है पर जब सिस्टम के साथ उठा लेते हैं ना हर कोई प्रमोशन की बात करता है हर कोई जो है श्रीलंका की बात कर रहा है हर कोई धन वर्षा में लगा हुआ है कोई करेगा कोई नहीं करेगा अभी भी एवरेज वर्क करेगा जादू से कुछ नहीं होगा और आप ज्यादा करोगे आपके लिए एवरेज वर्क करेगा तो आपका काम जो है वो निकल जाएगा हर किसी व्यक्ति का जो ज्यादा एक्शन करेगा एवरेज उसके लिए बेटर वर्क करेगा और वो जीतता चला जाएगा तो प्लग इन टू द सिस्टम बहुत जरूरी है शेड्यूल योर एक्शन अगले सात महीने का अपना एक्शन शेड्यूल कीजिए एसओ बेसिस पे नहीं करना है अच्छा आज ये चल कर लिया अभी ये कर लिया फिर ये कर लिया प्लान करके करो कि हाँ एमएलसी इस दिन हो गए प्लान करके करो कि महीने में एक फुल डे वर्कशॉप करोगे महीने में एक सेमिनार बिल्ड करोगे हर दिन आपके पास कोई ना ने, कोई नेक्स्ट इवेंट का टिकट होना चाहिए यहाँ कंपनी की उड़ान हो रही है या कंपनी की शुरुआत हो रही है यहाँ कंपनी की रफ्तार हो रही है यहाँ आजादी महोत्सव हो रहा है हर किसी चीज का इस समय आपको जो सिस्टम का पार्ट है उसका आपको मैक्सिमम फायदा उठाना है अगर आप इस तूफान का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हो तो शेड्यूल योर एक्शन वर्क हार्ड मेरा फेवरेट काम है ज्यादा कर लो कम नहीं पड़ना चाहिए सात महीने सात महीने में निकल जाएंगे आठवा तो नहीं आएगा ना आठवें तो नहीं करना ना वो सब महीने का किया हुआ जीवन भर साथ जाएगा अगली पीढ़ी तक साथ जाएगा तो वर्क हार्ड बी कंसिस्टेंट आज प्रमोशन पसंद आ रहा है कल पसंद नहीं आ रहा किसी ने चार बातें बोल दी थी आपका भी मूड खराब हो गया किसी ने बोल दिया नहीं जी ये तो मेरे लिए नहीं आपका भी मूड खराब हो गया कोई करे कोई नहीं करे एक बात में विश्वास रखो आपका कोई सपना नहीं है ऐसा जो मोदी कर पूरा नहीं करेगा हर सपना मोदी के पूरा कर सकता है अगर आप किसी की बातों में नहीं पढ़ो आप सिर्फ अपने दिल को फॉलो करो आप अपने सपनों को पकड़ के रखो थॉट में परसिस्टेंस रखो एक्शन में कंसिस्टेंसी रखो और करते रहो करते रहो करते रहो कहीं बोगे बीज और कहीं से रिजल्ट मिलेगा हमें किसी को कोई अंदाजा नहीं है मेरे कैसे होते हैं उन लोगों के लिए जो बेसिक करते हैं और बहुत प्यार से बहुत श्रद्धा से भोले भाव से करते हैं बी कंसिस्टेंट अपग्रेड योर गोल अपने गोल्स को अपग्रेड करूँ खाली ये नहीं कि अच्छा चलो श्रीलंका चला जाऊंगा श्रीलंका पांच के साथ जा रहा हूं दस के साथ जा रहा हूं मैं तो डायमंड भी जा रहा हूं जो लोग बड़ा सोचेंगे अपने डाउनलाइन के लिए भी बड़ा सोचेंगे वही लोग बड़े होंगे तो अपग्रेड योर गोल्स और फिर फिर ड्रीम ड्रीम देखो बड़े में रहो रमता जोगी अपने सपनों में खुश रहो मेरे को पांच लोग दस लाख रुपया कमाने वाले चाहिए मैं देखती नहीं कि अभी गिनती कितनी है मुझे ये पता है कि ये गारंटेड मोदी के साथ मेरे जन्म में हो जाए बस मेरे लिए इतना ही काफी है और बाकी मैं बेसिक कर रही हूँ तो जीत रही हूँ तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है तो आपको दस बजे फिर से एक और मॉड्यूल लेकर के आपके सामने आऊंगी मतलब तूफान समझाऊंगी पर फिर और आगे बेसिक एक्शन को और डिटेल में समझाऊंगी तो कल दस बजे हम आज शाम को दस बजे हम फिर मिलते हैं आई होप आप सबके क्वेश्चन क्लैरिफाई हो गए होंगे जो भी आपके मन में होंगे अगर कोई है तो दस बजे के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कंपनी का स्टाफ लगातार मीटिंग्स कर रहा है एक मीटिंग अटेंड कीजिए दो मीटिंग अटेंड कीजिए दस मीटिंग अटेंड कीजिए जब तक आपके माइंड में पूरी तरीके से क्लैरिटी और कन्विक्शन नहीं आ जाता इसको सुनिए अपने डाउनलाइन को मैग्जिम लोगों को सुनाइए और बस फील्ड वर्क फील्ड वर्क फील्ड वर्क फील्ड वर्क क्या करना है सात परसेंटर हो तो क्या करना है डायरेक्टर जाना है दस परसेंटर हो तो क्या करना है डायरेक्टर जाना है तेरह परसेंटर हो तो क्या करना है डायरेक्टर जाना है न्यू जॉइनी तो हो तो क्या करना है सीधे श्रीलंका का फैसला करना है डायरेक्टर जाना है एनक्यूडी हो तो क्या करना है कोशिश करनी है एस डी ओ जाने की अगर एस डी नहीं हो सके तो डायरेक्टर तो गारंटेड हो ही जाना है हर एक एनक्यूडी को और हमें क्या करना है ज्यादा से ज्यादा एनक्यूडीज को ये नहीं बताना है कि श्रीलंका चलो एनक्यूडीज को ये बोलना है कि आपने किया था आपने एक बार मोदी केयर किया था वो जो सपना जिस सपने से मोदी केयर किया था वो सपना जिंदा है कि नहीं आपको मैक्सिमम लोग कहेंगे हाँ जी वो सपना जिंदा है वो सपना नहीं मरा जिन भी कारणों से आप रह गए आपका बिजनेस जितना हाइट पे जा सकता था वो नहीं गया पर वो सपना तो जिंदा है ना तो उसी सपने के लिए अपने आप को एक और चांस दो हमें नहीं चांस दो हमारे पास हमें चांस नहीं जी हमने अपने आप को चांस नहीं दिया काफी है आप अपने आप को एक चांस दो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है पूरा मोदी केयर पूरी कायनात उठ करके आपके लिए आई है इस अभी नहीं तो कभी नहीं आप दस लोगों से ये बात करोगे दस में से दो को भी समझ में आएगा तो दो लोगों की किस्मत आपने बदली है ये जिंदगी भर आपको अच्छा एहसास दिलाएगा और फिर रिवॉर्ड तो आपको भी मिलता ही चला जाएगा तो बस जितने भी एनक्यूडीज हैं उनको डायरेक्टर ड्या, करना है या एस जो कर सकते हैं वो करना है जितने भी डायरेक्टर प्लस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को श्रीलंका क्वालिफिकेशन में डाल करके खुद के डायमंड पे फोकस करना है और फिर डायमंड में डायमंड आने के बाद जितने भी डायमंड प्लस है उनको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं उनको ये धन वर्षा और इसका फायदा उठा करके विदेश यात्रा का फायदा उठा करके ज्यादा से ज्यादा एलपीबी पी लैग बनानी है एलपीबी पी लैग बन जाएगी तो आपको जो मिलेगा वो मायने नहीं रखता वो जो एलपीबी पी लैग बन जाएगी ना वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाएगी उसका चेक अच्छा आने लगेगा वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाएगी तो आप एलपीबी पी लैग बनाते बनाते परमानेंट लीडरशिप जीवन भर के लिए उठा करके लेकर के जाओगे ये ये तूफान आपके जीवन में ऐसी शांति लेकर के आएगा इस तूफान से ना शांति लेनी है मैंने इस साल बारह महीने बारह ट्रिप का फैसला कर रखा है बारह ट्रिप्स पे जा रही हूँ चार कर चुकी हूँ आठ बची हैं हर महीने अभी इस बार यूएस जाऊंगी स्पेन जाऊंगी कजाकिस्तान का प्लान बनाया है एक एकाद जगह का और प्लान बनाया बाकी मतलब टोटल इंडिया और इंडियन और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल करके बारह करूंगी अगले साल बारह इंटरनेशनल ट्रिप का प्लान किया है ऐसी शांति ऐसी शांति की जो सपना देख लू वो पूरा हो जाए सोचा था बेटे की शादी होगी डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी तो हो जाएगा ऐसी शांति की सोच रखा है कि पांच हजार लोग दस लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए तो पता है हो जाएगा इस तूफान से ऐसी वाली शांति लेकर के कितने लोगों को चाहिए कि आपका अपने आप पर यह भरोसा होगी जो मैं चाहता हूँ वो मोदी केयर से हो ही जाता है इस शांति तक जाने का ये रास्ता है पर उसके लिए तूफान मचाना है मैं तैयार हूं आप भी तैयार हो जाइए फिर मिलते हैं All the very best.